हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अग्निपथ स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, एक्सपर्ट कमेटी से समीक्षा कराने की मांग। नई दिल्ली बिहार में अग्निपथ स्कीम के विरोध में आज बंद बुलाया गया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से इस बंद का आह्वान किया गया है, जिसे मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी और जीतन राम मांझी के दल हमने भी सपोर्ट किया है। इस बीच एहतियात के तौर पर बिहार के ज्यादातर जिलों में मोबाइल इंटरनेट को ही बंद कर दिया गया है, ताकि अफवाहों को रोका जा सके। अग्निपथ योजना के विरोध का आज चौथा दिन है और लगातार उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में विरोध जारी है। अब इस विरोध में राजनीतिक दलों के उतरने से इसकी व्यापकता और बढ़ने की संभावना है। शुक्रवार को बिहार में कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को फूंक दिया था। इसके अलावा यूपी के बलिया में भी एक ट्रेन की कुछ बोगियों को जला भी दिया गया था। वहीं तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तो उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी और इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। हावड़ा और पश्चिम बंगाल के अन्य स्टेशनों से शनिवार को रवाना होने वाली 2 शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों सहित 13 ट्रेनों को अग्निपथ विरोध प्रदर्शन के कारण रद्द कर दिया गया है। भले ही पश्चिम बंगाल ने बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन केंद्र की नई अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चल रहे हिंसक आंदोलन के कारण ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। अग्निपथ को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन शनिवार को हिंसक हो गया। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की जान की परवाह किए बगैर पथराव कर वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र स्थित बरगुदर पुल व काला बाजार के बीच 1.25 घंटे तक 200 से अधिक युवकों ने जमकर बवाल काटा। सड़कों पर लाठी डंडा लेकर उतरे इन युवाओं ने रोडवेज की 4 बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया। एक सब इंस्पेक्टर की बुलेट व कोबरा की एक अपाची बाइक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस वालों पर पथराव किया, जिसमें थाना अध्यक्ष सिकरारा विवेक तिवारी, सिपाही अंशुमन यादव समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल, एएसपी शैलेंद्र सिंह के पीएससी के जवानों ने कड़ा रुख अख्तियार किया, जिसके चलते उपद्रव करने वालों को खेतों के रास्ते भागना पड़ा। मौके से आधा दर्जन से अधिक उपद्रवियों को पकड़ लिया गया। 1.25 घंटे तक जौनपुर प्रयागराज मार्ग अवरुद्ध रहा। आम राहगीर डर के मारे एक पेट्रोल पंप पर खड़े होकर बवाल के शांत होने का इंतजार करते रहे। 8:30 बजे से शुरू हुआ उपद्रव करीब 10:15 बजे जाकर शांत हुआ। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।